आपके पार्टनर का रूटीन इज सो इंपॉर्टेंट कि आपका रूटीन कैसे बनेगा, क्योंकि मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम गुंजन जल्दी उठने वालों में से नहीं था. आई डिड इट फॉर 13 ईयर्स, 13 साल तक हर एक दिन का हर एक घंटा मैंने रिकॉर्ड किया. छोले भटूरे मुझे जिंदगी के हर एक दिन खिला दो. Welcome to the fourth episode of India's first ever couple talk show, Behind the Success. आज हमारे घर पे हमने इनवाइट किया है अंकुर वारिको को. अंकुर वारिको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप नियर बाय के co-founder हैं. वो एक एंजल इन्वेस्टर है, 30 से ज्यादा कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है. वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं और 2005 से वो कंटेंट बना रहे हैं. सोशल मीडिया पे 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी एक खास बात, बहुत ही सिंपल तरीके से वो लाइफ के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर जाते हैं. और अंकुर के इस ह्यूज सक्सेस के पीछे वन ऑफ द सीक्रेट्स है उनका रूटीन और उनकी हैबिट्स. तो आज हम उस रूटीन के बारे में उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि उस रूटीन को हम कैसे अडैप्ट कर सकते हैं, क्या उस रूटीन को फॉलो करना जरूरी है, और भी उनके सक्सेस सीक्रेट्स एंड फॉर्मूलाज आज हम डिस्कस करने वाले हैं. One thing I would really like to say, one thing I really love about you is जो आपकी कंसिस्टेंसी है with your routines, with your system, processes जो reflect होती है from morning to everything, that is really admirable. It's so sorted, so simple. It's like अंकुर वारिको को देख लो ना अगर तो लगता है कि ज़िंदगी आसान है. It's not that complicated. नहीं, and I'll be happy to share कि जो कुछ भी मैं सीखा हो, but I really like your work and there is just so much. In fact, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अभी YouTube in general has just become this thing in the last 2-2.5 years. Of course, Jio aaya and then the pandemic happened. Lekin wo jo log hai na jo saalon se lage hue hain, that's a very different DNA. It's a very, very different DNA. So I really admire everyone who's been at it for so many years. So thank you for doing what you're doing and thank you for having me. As far as I remember, aapka ek bahut specific ek morning routine bhi hai, right? उसके ऊपर मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं समझना चाहूंगा बहुत कुछ, बट है क्या वो मॉर्निंग रूटीन? वो मॉर्निंग रूटीन हिमेश मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि उससे दिन की शुरुआत होती है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो मॉर्निंग रूटीन में वो मैं हर एक चीज करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, ताकि जब दिन शुरू हो ना तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को वो सब कुछ दे दिया है जो उसको चाहिए था, और वो हूं मैं और मेरी सारी जरूरतें. लवली. तो मैं शुरू करता हूँ, सर्दियों में थोड़ा लेट होता है, थोड़ा लेट सॉरी आप मुझे डांटेंगे, बट मैं 4:30-5 बजे उठता हूँ. अच्छा. एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई डू व्हिच आई लव डूइंग इज मैं 15 मिनट एक ग्लास का पानी पीता हूँ. एंड द थिंग दैट आई से टू माईसेल्फ इज दिस इज वेकिंग अप स्लोली. एंड द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज क्योंकि आजकल की दुनिया में ना हम सब बहुत हड़बड़ाहट में उठते हैं. क्योंकि वी वेक अप विद एन एजेंडा. Right. कि हमारी वो कॉल शुरू हो गई है, हमारे वो जूम मीटिंग है, वो हमें कॉलेज अटेंड करना है, वो मम्मी पापा बोल रहे हैं, तो इसलिए हम उठते हैं. तो हमारा हमेशा एग्जैक्टली राइट कि हम उठते हैं टू डू समथिंग, राइट राइट, व्हिच इज व्हाई आई वांट टू मेक इट द एब्सोल्यूट ऑपोजिट. तो वो 15 मिनट चलता है, फिर आई मेडिटेट. दिस इज समथिंग दैट आई हैव लव्ड डूइंग. ऑलमोस्ट 5-6 साल हो चुके हैं जब से मैं मेडिटेट कर रहा हूँ. आधा घंटा मैं मेडिटेट करता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, तो आई रीड अ बुक जो कि अराउंड आधा घंटा और. एंड तब तक अराउंड 6 बज जाते हैं. 6 बजे मैं अपने बच्चों को उठा के उनको तैयार करता हूँ फॉर स्कूल. तो वो मेरी 6 से 6:30 बजे एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम. एंड फिर तब तक रुचि 5:30 बजे टेनिस खेलने जाती है. अच्छा. वो 6:30 बजे आती है वापस, और फिर मैं टेनिस खेलने जाता हूँ. Okay. और वो बच्चों को बस स्टॉप पे ड्रॉप करती है. That's a good collaboration. हाँ, I know exactly, but तालमेल बहुत अच्छा है. And which is why I'll say something towards the end of this routine. 7:30 बजे मेरा टेनिस खत्म होता है और फिर मैं जिम जाता हूँ. I work out till about 8:30. फिर मैं वापस आता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, which is one of the things that I really enjoy. उससे पता चल जाएगा कि मैं काफी पेपर वाला, बिल्कुल पेपर वाला, right? हिंदुस्तान टाइम्स और करता हूँ, like मैं काफी बूढ़ा हूँ उस हिसाब से, like मेरी आदत पड़ी हुई है. खुशबू होती है. Exactly, like it's really nice. And then I get ready, तो नहा लिया धो लिया. एंड अराउंड 9-9:15 बजे ब्रेकफास्ट. तो 9:30 बजे तक काम के लिए बैठ गया. एंड द ब्यूटी इज कि 9:30 बजे जब मैं काम के लिए बैठूंगा, आई वुड हैव हैड ऑलमोस्ट 4-5 hours विद योरसेल्फ, विद माय सेल्फ डूइंग द थिंग दैट आई लव डूइंग. यू हैव डन ऑल सो मेनी थिंग्स व्हिच पीपल जस्ट admire to do, this try to do, कि यार हम बुक पढ़ना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, we've done all of that. Exactly. सब के उठने तक आप सब कुछ कर चुके होते हैं.
तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि द बेस्ट थिंग अबाउट द रूटीन इज कि मैं क्योंकि ये सारी चीजें कर चुका हूँ, अब 9:30 बजे के बाद ना मेरे साथ जो भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को ऑलरेडी सेंटर कर चुका हूँ, लाइक एक तरीके से वो एंकर बन चुका है, एंड दैट रियली रियली हेल्प्स। बट आई थिंक देयर टू और थ्री थिंग्स दैट रियली मैटर। एक, आपके पार्टनर का रूटीन इज सो इंपॉर्टेंट कि आपका रूटीन कैसे बनेगा, क्योंकि डिवर्जेंट नहीं हो सकता, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आई डोंट नो कि आप दूसरे को क्या क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा। तो अगर रुचि ऐसी होती कि रात को पढ़ी करते हैं और रात को लेट तक सोते हैं और रात को मूवी देखते हैं, ये सब करते हैं, देन आई डोंट नो मेरा रूटीन कैसा होता है या अगर हो भी पाता, विच इज नंबर वन। नंबर टू, आपको अपना रूटीन एक तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो द रॉन्ग टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि सक्सेसफुल होने के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है, नहीं है जरूरी दोस्त, बिल्कुल नहीं है। मैं अभी किसी को ये बता रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आप कितने बजे उठते हैं, ये जरूरी है कि आप हर रोज क्या उसी वक्त उठते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे ना कि आज हम 5 बजे उठेंगे, आज हम 7 बजे उठेंगे, आज हम 11 बजे तक रोएंगे, आज हम उठेंगे ही नहीं, तो बॉडी समझ ही नहीं पाएगी, और अगर समझ नहीं पाएगी तो वो रिदम में नहीं आ पाएगी। तो आपको बॉडी को रिदम में लाना है, एंड द ओनली वे टू डू दैट इज कि हर रोज जितने बजे भी उठना है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रात को काम करना चाहते हैं प्लीज करिए, सुबह करना चाहते हैं प्लीज करिए, लेकिन उसी वक्त पे उठना है, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट फ्यू आवर्स हैं वही चीजें करनी है जिसको करने से ना आपको खुशी मिलती है और एनर्जी आती है। तो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम गुंजन जल्दी उठने वालों में से नहीं था, और वो हमेशा से थी, हमेशा से। तो इन अ वे मैंने उसके रूटीन को देख के देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया रूटीन है, क्योंकि वो जल्दी उठ जाती है, इतना कुछ कर पाती है, और मैं 8-10 बजे उठ रहा हूँ और फिर कुछ हो ही नहीं पाता, वही हड़बड़ाहट में उठ रहे हैं। सो आई स्टार्टेड ऑल्टरिंग इट एंड इट वर्क्स रियली वेल, तो इट बिकेम टू वे। एंड नाउ योर रूटीन इज लाइक वो जो बचपन में याद है चार्ट्स आते थे, अच्छी आदतें, मॉरल साइंस की टेक्स्टबुक में, आई नो, जस्ट लाइक दैट, छह बजे उठ के एग्जैक्टली राजू ब्रश कर रहा है, राजू नहा रहा है, तो वही बिल्कुल वही। तो कोई सडन ट्रिगर नहीं था, इट वाज ओवर द टाइम यू रियलाइज्ड कि दिस रूटीन इज समथिंग जो मुझे, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ पढ़ा या किसी ने नहीं, एंड दिस इज अगेन अ की, मैं क्योंकि सुबह लेट उठता था, एंड अक्सर लोग गलती करते हैं कि लेट्स से वो 8 बजे उठते हैं और आज वो 6 बजे उठना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अलार्म लगा देंगे 6 बजे का, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉडी चिल्लाएगी मुझे सोना है, मुझे सोने दो। तो धीरे धीरे उसको करना पड़ता है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 8 बजे अगर आप उठ रहे हैं तो आप 7:50 का अलार्म लगाइए, उसको करिए, जब आदत पड़ जाएगी तो फिर 7:40 का, आदत पड़ जाएगी 7:30 का। तो मुझे अपने इस रूटीन में पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 3.5 साल लग गए थे, लेकिन धीरे 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 मैं इस रूटीन की तरफ बढ़ रहा था। और अब इस रूटीन को फॉलो करते हुए कितना टाइम हुआ? ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। ओह, 4 साल। 4.5 ठीक है कि अब 3.5 पहुंचने? नहीं 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 नहीं, अब नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लाइक इट्स क्रेजी हाउ योर माइंड अडैप्ट्स टू दीस थिंग्स, कि आज की डेट में जब अगर हम घर पे हो और लेट्स से 10 बज गए हैं रात के, हमें लगता है इतना लेट हो गया, इतना लेट हो, और एक टाइम था जब 10 बजे हम खाना खाने बैठते थे, लाइक देखिए 11, 11:30, 12 तो आराम से बच गए। इट्स सो अमेजिंग कि आपका माइंड बॉडी कितना रिएक्ट करता है टू हाउ यू स्टार्ट, एंड दिस रूटीन इज एक्चुअली वेरी मच इन सिंक विद व्हाट आयुर्वेदा सजेस्ट्स। अच्छा, सो आयुर्वेद में मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स योर बॉडी साइकिल, अगर 10 बजे सोना एंड 4 बजे उठना, ऑफ कोर्स आपका माइंड विल वर्क एट इट्स बेस्ट पोटेंशियल, योर बॉडी विल बी इन सिंक विद you know the day sunlight and everything yeah. so acha kyunki aap 10 baje so jate ho which leaves me in curiosity ki itna kuch I am sure jaise aapne bola bahut saari cheezon ko no bolna padta hai and you feel that all these no's are definitely worth it he's saying no to parties saying no to dinners to a lot of other things yes and aisa bhi nahi hai ki of course hamesha no hota hai there will be of course occasions jahan kuch ho raha hoga for example फ्राइडे रात को मैं इंस्टाग्राम पे 10 से 11 बजे एक लाइव सेशन करता हूँ,
विच आई रियली लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि वो एक मोमेंट है जहां मैं अपने ऑडियंस के साथ लाइव जाता हूँ. और मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे लाइव नहीं जाता हूँ. मैंने यूट्यूब पे ट्राई किया है पर इतना मजा नहीं आया, क्योंकि वो कॉल नहीं कर सकते आप एक दूसरे को. एंड इंस्टाग्राम पे नो आई रैंडमली इनवाइट पीपल, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन आने वाला है, वो क्या पूछने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, किस जोन में है. तो वो एक चीज है जिसके लिए आई एम हैप्पी टू स्टे अप टिल लेट. और वो एक एक्सेप्शन है. एंड अक्सर जो लोग मेरे यूट्यूब पे देखते हैं और अगर इंस्टाग्राम आता है, ए झूठ बोल रहे हो सर, आप तो बोलते हो आप 9 बजे सो जाते हो, यहाँ 10 बजे क्या कर रहे हो. गलती होगी बट ये दिस इज द रीजन. बट दीज आर सम एक्सेप्शंस. अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कुछ है, तो आई मेक दोज एक्सेप्शंस. लेकिन बाय एंड लार्ज आई एम वेरी हैप्पी सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो यूजुअली मैं पहले करता था. जनरली बहुत बार जैसे मेरे साथ भी टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एक ट्रिगर से आई थिंक झटका कई बार लगता है कि यार कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं विद सम लॉस वी रियलाइज. करेक्ट. कुछ ऐसा लाइफ का इंसिडेंट था कि यार, बिकॉज आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रॉपर कोर्स भी है, यू टॉक अलॉट अबाउट इट, कोई ऐसे इंसिडेंट थे कि यू रियलाइज कि अब से मुझे टाइम को वैल्यू करना है? एक्चुअली इंसिडेंट नहीं था रमेश, बट एक ग्रेजुअल रियलाइजेशन थी. तो मैं साइंस स्टूडेंट था एंड हमारे देश में हर एक साइंस स्टूडेंट का सिर्फ एक ही गोल होता है, आईआईटी जेईई क्लियर करना. जो कि मैं लगा हुआ था, फाइट मार रहा था, हुआ नहीं, 2 साल ट्राई किया. बट उसकी प्रिपरेशन इंटेंस थी एंड स्कूल के साथ एक प्रॉपर रूटीन बनाना था, क्योंकि सेल्फ स्टडी थी और सब कुछ था. तो आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई रियलाइज कि यार नहीं हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं. तो आई एज अ साइंस स्टूडेंट, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट वाला होता है, मुझे ये था कि अब अपने वक्त को ना नापना शुरू करो, सॉल्व करने की कोशिश ना करो, नापना शुरू करो कि वक्त कहां जा रहा है, किस चीज में जा रहा है. क्योंकि अगर वो तुम्हारे सामने होगा देन यू कांट इग्नोर इट, इट्स लाइक इन योर फेस. तो अराउंड 9th या 10th क्लास में मैंने अपने पूरे दिन के हर एक घंटे में मैं क्या करता हूँ वो रिकॉर्ड करना शुरू किया. इट वाज क्रेजी. मतलब मैं सोचता हूँ कितना गीक था एंड इट रियली हेल्प्ड, क्योंकि पहली बार पता चला कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. एंड यू वर इन 9th 10th. हाँ, 9th 10th क्लास में. ये एग्जैक्टली खुद से आया था कि मैं खुद से आया था, क्योंकि साइंस में यही सिखाया जाता है कि मेजर करो, मेजर करो, मेजर करोगे तभी उसको इम्प्रूव करोगे. तो नोटबुक में बकायदा लिखता था एंड क्योंकि मैं गीकी था तो लास्ट में मैं एक इफेक्टिवनेस रेशियो कैलकुलेट करता था. ओह माय गॉड. जो कि था कि सारे घंटे जो मैं जगा हुआ था उसमें से कितने घंटे मैंने वो काम किया जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए. एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग ओवर टाइम कि जब भी वो रेशियो 70-75% होता है ना, तो मैं अपने से खुश होता हूँ. यार दिन में 70-75% मैंने उन चीजों में बिताया जो मेरे लिए जरूरी है. आगे 20% चलता है, एक दोस्तों के साथ चिल के, सब दैट्स परफेक्टली फाइन. एंड इट बिकेम अगेन अ हैबिट. इट जस्ट बिकेम अ हैबिट. तो आई, यू मे नॉट बिलीव इट बट इट्स एक्चुअली ट्रू, जो 9th 10th क्लास में मैंने शुरू किया था वो मैंने 25 साल तक किया. आई डिड इट फॉर 13 years, 13 साल तक हर एक दिन का हर एक घंटा मैंने रिकॉर्ड किया. एंड पहले मैं किताबों में करता था, वो अनफॉर्चुनेटली दीमक ने खा ली द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री. अदरवाइज अभी देख के कितना मजा आता ना, मतलब. तो आई हैव टेंथ में मेरा एग्जैक्टली टाइम. एग्जैक्टली राइट. तो वो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है इन द फॉर द लास्ट 3-4 years. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे 2004 में तुम 7th December, ओह माय गॉड, शाम को 5 बजे क्या कर रहे थे, मुझे पता होगा. आई हैव टू गो बैक टू दैट एक्सेल शीट, लेकिन मुझे पता होगा कि मैं क्या कर रहा था. वो एलिबाई क्रिएटेड पूरा मेरे पास. एग्जैक्टली भाई, पूरा कि लाइक देख लो मैंने ये खून नहीं किया था क्योंकि मैं यहाँ नहीं था. बट एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एक्चुअली लर्नड एंड आई टीच इन दैट कोर्स एज वेल, कि वक्त को मैनेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट है पहले ये मेजर करना कि करंटली वक्त कहाँ जा रहा है. एंड इट इज नॉट फनी कितने लोग लिखते हैं कि सिर्फ इसी एक्सरसाइज ने ना हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि पता चल गया कि हम तो 3-3, 4-4 घंटे रीलों पे ही बिता रहे हैं. एक पता भी नहीं चला, हमें लगता था 15-20 मिनट जा रहे होंगे, आधा घंटा, बट अंधा पैसा जा रहा है और अंधा टाइम जा रहा है. एंड देन इट्स जस्ट क्रेजी. सो दिस वॉज देयर, इट वॉज नॉट अ मोमेंट और एनीथिंग, बट इट वॉज अ ग्रेजुअल रियलाइजेशन की मेजरमेंट से यू जस्ट बिकेम सो हैबिचुएटेड. So, आप आज भी मेजर करते हो अपने? नहीं, अब मेरा अब वो हो गया ना कि
सैचुरेशन आ गया कि अब हाँ मतलब हाँ एग्जैक्टली अब वो दिमाग में ही चलता है लाइक आई एग्जैक्टली नो अपने कैलेंडर को देख के कि इस दिन के एंड पे मैं खुश होऊंगा या नहीं होऊंगा एंड इट्स ड्रॉन आउट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम सो इट वर्क्स Nice. Yeah. Is you cannot manage what you cannot measure. Exactly. So exactly. Measure करेंगे तो manage होगा. Very nice. बिल्कुल. So true. So true. That's so true. आप लोगों का time management का system या routine कैसा है? मुझे अंकुर वारिगा का course खरीदना है अभी. But आप दोनों में से ज़्यादा routine का स्टूडेंट कौन है नहीं दिख गया था इंस्टाग्राम ट्रेंड वाला दिख गया था आंखें बंद करके पॉइंट करो नहीं हम लोगों का ऐसा है कि टास्क दोनों के पूरे होते हैं एंड ऑफ द डे बट मेरा होता है पूरा ये इतने बजे इतने थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेस वाली चीज करना है मुझे कोई स्ट्रेस नहीं मेरी होती चिल में होती है रात को इसके भी टास्क खत्म हुए होते हैं Then you're like, मैं ही क्यों अपनी जिंदगी इतनी स्ट्रेस में डाल रहा हूं कल इतने बजे उठना है इतने बजे करना है जब नींद खुलेगी तब उठना है उठ के सब कुछ सब हो जाएगा एंड आई आई थिंक ना ये पॉइंट जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कोई सही है कोई गलत है बोथ ऑफ यू आर डूइंग सो वेल एंड आर अकम्प्लिशिंग एवरीथिंग लेकिन अपनी फितरत जान पाना ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम सिर्फ लगता है कि अरे अंकुर वाले को बोलते हैं कि 4:30 बजे वो उठते हैं तो हमें भी उठना नहीं आपको ये पता करना है कि आपके लिए क्या काम करता है एंड वंस यू डू दैट देन आई थिंक इट्स द बेटर प्लेस इट्स नॉट अबाउट वेकिंग अप इट्स अबाउट द रूटीन आपका क्या है क्योंकि कोई मार्क ज़ुकरबर्ग 7 बजे उठ रहे हैं जैक डोर्सी 6 बजे उठ रहे हैं जैक डोर्सी 5 बजे उठ रहे हैं एवरीवन इज अ डिफरेंट टाइम बट दे आर अकॉम्प्लिश्ड बट दे आर फिक्स्ड टाइम यस दैट इज द मेन आई थिंक दैट्स द की एंड इतने सारे सॉरी वो आर्टिस्ट क्रिएटर्स हैं मैं साइंटिस्ट की कहानियां पढ़ते हुए बड़ा हुआ एंड यू लुक एट देम देर मैवरिक्स इन देयर ओन वे राइट अगर आप आइंस्टाइन की लाइफस्टाइल को देखोगे कि वो कैसे करते थे आर्किमिडीज की लाइफस्टाइल को देखोगे लियोनार्डो द विंची की मैं लियोनार्डो कैप्रियो बोलने वाला था लियोनार्डो द विंची के देखोगे बहुत सारे एकदम लाइक इट्स ऑल ओवर द प्लेस लेकिन वो भी एक रूटीन है सो व्हेन पीपल से कि यार रूटीन इतना बोरिंग नहीं होता होगा कि हमें रोबोटिक फील करते हैं जिंदगी में रोज वही करना है देन लाइक आप रूटीन में ये भी डाल सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है That is also a routine. या कुछ इस वक्त नया करना है. Exactly. Novelty time. Exactly. Yeah. Right? कि कुछ exciting. Very interesting thing that someone told me और अब मैं उसको follow करता हूँ. They said कि आप अपने routine में ना distraction time डालिए. डालिए actually. Yes. क्योंकि तब आप ना planned distraction होंगे. आप ये नहीं होगा कि यार चलो थोड़ा सा देख लें. नहीं. You will actually say कि 6 बजे मैं Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, जो भी है वो देखूंगा एंड दैट विल बी व्हाट योर माइंड विल एंटिसिपेट तो पहले नहीं भटकेगा उसी पॉइंट पे आप उसको पूरी खुली छोड़ दे दो जो देखना है जितने टाइम के लिए मतलब जितने टाइम के लिए नहीं बट जितना भी स्केड्यूल है एंड देन इट एक्चुअली वर्क्स अ लॉट बट अंकुर ऐसे में हम मन का क्या करें सो फॉर एग्जाम्पल अब हम वी ऑल आर यू नो इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन तो हम कॉन्टेंट राइट करते हैं अपने लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं ठीक है तो कई बार मेरे अंदर वो नहीं आ रहा भी ना आई एम नॉट इन माई राइट जोन कि मैं वो परफेक्ट पीस ऑफ कॉन्टेंट लिख सकूं वो मे बी शाम को आएगा या मे बी वो रात को 11 बजे आएगा सो हाउ डू आई हैंडल दैट इन लाइक सच सिनेरियोस यू हैव अ स्पेसिफिक रूटीन हाउ डू यू एंश्योर कि मेरे को उतने बजे ही आइडियाज आएंगे बेस्ट आई थिंक व्हाट आई डू व्हिच वर्क्स फॉर मी इज आइडियाज कभी भी आ सकते हैं इंस्पिरेशन कभी भी आ सकता है या ऑब्जर्वेशन से आपको कुछ नया सीखने के लिए या कुछ नया सोचने के लिए मिल सकता है तो द की फॉर मी एटलीस्ट इज डू यू हैव अ वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग दैट ताकि आप उसको रिट्रीव कर पाए तो मेरे लिए द एक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड द एक्ट ऑफ एक्टिंग दो अलग चीजें नो बट दैट्स एब्सोल्युटली राइट इन फैक्ट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट हिमेश कभी कुछ दिन अगर ऐसे लो प्रोडक्टिविटी वाले जा रहे होंगे ना और मे बी व्हेन ही इज नॉट वेरी मच सैटिस्फाइड विद व्हाट ही इज डूइंग नेक्स्ट डे ही विल बुक A full body checkup for himself. कि मेरा टेस्ट करवाओ मेरे अंदर क्या कमी है? It has worked for me. Vitamin D. अच्छा vitamin D. अरे यही था. ये कुछ तो vitamin की कमी है. Otherwise I want to do. I really feel. मैंने इस पे थोड़ी बहुत मैंने काफी रिसर्च करी है कि बायोलॉजिकली बहुत बड़ा रोल होता है हमारी एफिशिएंसी एनर्जी इनफैक्ट सक्सेस कई बार इंसान की जिंदगी के 10 साल निकल जाते हैं यार मेंटली तो मन कर रहा है कुछ करने का करेक्ट फिजिकली ना बस वो टाल रहा है इट्स नॉट अबाउट हिज माइंड इट्स अबाउट हिज बॉडी एट एग्जैक्टली इट इज सो ट्रू मेरे मॉम डैड अब ऑफ कोर्स एक ऐसी एज में पहुंच चुके हैं जहां आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है एंड आई सेंड देम टू अ न्यूट्रिशनिस्ट उन्होंने बोला यार हमारे पास
सब कुछ है जो हमें चाहिए था जिंदगी में, इतने वक्त तक नहीं मिला, अब आज है तो प्लीज यूज करो ना, जाओ समझो कैसे. तो उन्होंने पूरी डाइट वाइट बना दी एंड देन ही जस्ट गेव देम अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, यहाँ इधर पोटेशियम वोटेशियम कुछ भी. एंड इट सडनली फेल्ट लाइक उनकी एक नई जिंदगी आ गई वापस, बिकॉज दे वर मिसिंग ऑल ऑफ दिस. उनकी डाइट फीकी सी जैसे भी है, वेजिटेरियन है तो वैसे भी प्रोटीन भी ज्यादा नहीं मिलता होगा. And suddenly now it is a completely new way. I think, yeah, if you can, then that is the best use of your money. Exactly. कि आप अपनी health पे, अपनी learning पे, अपनी happiness पे खर्च करें, as against कि एक नई गाड़ी खरीद के लोगों को दिखा रहे हैं. First time जब हमने एक proper diet किया था ना, तो सिर्फ हमें ही नहीं, videos के नीचे comments थे कि there's a difference. Wow. It was just 1.5 months of diet और नीचे comments आने शुरू हो गए कि there's a difference in your energy. That is so awesome. कितना बड़ा role है. Exactly. कितना, और हम उसको इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि नहीं होता है. वर्कआउट करके होता है कि इफ यू फीलिंग गुड अबाउट योर वर्कआउट ना, यू सडनली लुक गुड इन द मिरर. यू डोंट हैव टू बी वो परफेक्ट फिट जो आपको चाहिए था या वेट, लाइक सो हेल्दियर एंड हैप्पियर विद इन. एंड या दैट्स सच अ ब्लेसिंग. सो यू हैव अ वर्कआउट रेजिम आल्सो? हाँ, मेरा वर्कआउट रेजिम है, बट भाई रोज जिम तो जाता हूँ मैं. एंड बस एक बिग शिफ्ट जो मेरे साथ हुआ कि मुझे पहले, क्योंकि आई वॉज इलिटरेट इन ऑल ऑफ दिस एंड स्टिल आई एम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन पहले लगता था कि ट्रेडमिल पे भागो तो जिंदगी सेट है. लगे हुए पसीने हाफ रहे हैं, और मुझे भागना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं. मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों भागते हैं लाइफ में भी और ट्रेडमिल पे भी. तो फिर इट सो हैपेंड कि नियर बाय में मेरे एक कोलीग हैं जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, एंड ही रियली हैड गॉन डीप इनटू दिस. उन्होंने बताया कि आप ना वेट ट्रेनिंग में मूव करो, यू एक्चुअली हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन मसल्स. ये कार्डियो वार्डियो ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपके अगर मसल्स ही नहीं बन रहे हैं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है. मतलब अच्छा ऐसा भी होता है, पर नहीं मुझे मसल नहीं बनाना, क्योंकि मसल बनाना ना एक तो वो एक अलग हमारी कल्पना होती है. नहीं, ये नहीं है, लाइक यू जस्ट हैव टू हैव लो, एग्जैक्टली फैट परसेंटेज कम होना चाहिए, मसल परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, दैट्स द गोल. एंड आप वेट उठाना शुरू करिए, तो दैट्स द बिग शिफ्ट दैट हैपेंड, ऑलमोस्ट हैपेंड अ डेकेड बैक. एंड तब से अब मैं सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग करता हूँ एवरी डे, one body part or maximum two and then just weights. But tennis ke sath cardio ho jata hai, exactly. Weights, so that's a good combination. So that's a really good combination. And I really like tennis a lot. So and thankfully hamare complex mein ye sab kuch cheeze hain, so it doesn't take a lot of bandwidth, physical or mental, to think yaar kahan jayenge kya karenge. So it becomes really nice. Good. And along with this you also follow कुछ ऐसे स्पेसिफिक डाइट की ये नहीं कुछ नहीं. मेरा ना एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा मकसद गुंजन ये है कि मैं कुछ भी खा सकूं क्योंकि मुझे मैं लाजपत नगर में पड़ा बड़ा, तो मेरी पूरी अपब्रिंगिंग थी चाट, पापड़ी, टिक्की, छोले भटूरे, तो मैं इन सबसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ. लाइक छोले भटूरे मुझे जिंदगी के हर एक दिन खिला दो. एंड तो मुझे ये लगता है यार मुझे ये सब चीजें खानी है, तो इसलिए मुझे, और इसलिए मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा. What's your inspiration? What keeps you up at exactly. the gym? छोले भटूरे एंड लस्सी. बिल्कुल. मेरा भी एक रीजन है बिकॉज अमृतसर, एग्जैक्टली कैपिटल, वहां पे ना हम एड्रेस ऐसे नहीं बताते कि ये वाली गली, हम कहते हैं सीधा जाओ मट्टी वाला, मट्टी वाले से लेफ्ट, वहां जो कुलचे वाला उसके बगल में न्यूट्री वाले के साथ घर है. आई कैन टोटली रिलेट टू दैट. बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, यही होगा. सो हम लास्ट में एक छोटा सा सेगमेंट है, ट्रिकी सेगमेंट है. इट्स फन एंड So, just give us two statements. ठीक है. हैं और उसमें से एक होगी सही आपकी लाइफ से, beat anything, और एक होगी गलत. Incident, experience, anything. ठीक है. एक सही होगी और एक गलत होगी. So, meanwhile, audience, जो जितने भी viewers देख रहे हैं, वो भी नीचे comment करेंगे और हम भी guess करने की कोशिश करेंगे इसमें सही क्या है गलत क्या. Interesting. Very nice. हाँ, ये वो ये game मैंने खेली है. And okay. मैं make it difficult. हाँ. I will make it difficult. Statement number one, मेरे पास तीन pair of jeans है. Okay. Statement number two, मेरे पास पांच t-shirts हैं. इनमें से एक गलत है. इसमें से एक गलत है और एक सही. Because looking at you, I think both can be right. Exactly. तभी तो. I would say
आप भी कमेंट्स में बताना. सो व्हाट डू यू थिंक, स्टेटमेंट वन और टू? आई विल से स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. यू? आई थिंक स्टेटमेंट वन इज फॉल्स. देखते हैं हैम्पर किसको मिलता है. I know. हम खुद को हैम्पर मिलते, because we didn't tell him कि you have to get us. So the correct statement of this is मेरे पास actually तीन pair of jeans ही है. So I win. Yes, which means very. I think my t-shirts are around 8 or 10. But like, okay. And have you not counted his t-shirts looking at his videos or what? They count ही नहीं कर. You know what? Because jeans ना, jeans are much more durable. तो जीन्स तीन से चल रहा है. मुझे ऐसा लग रहा था he would say कि नहीं दो ही जीन्स हैं इसलिए. हाँ exactly. वो अलग चल रहे थे कि मैं भी इसी में चलता रहता हूँ. तीन नहीं होंगे. You know the that was good tricky. Yeah. See even the tricky questions were so simple. Simplified. क्योंकि हमें वो लोगों के life के बारे में ये किया वो क्या कहाँ जा रहे हैं. Otherwise ये वाला जब हम करते हैं ना तो the person is tend to bring very complex कि मैंने ये क्या वो क्या क्या. तीन जीन्स है पांच शर्ट है बताओ. और वो भी the funny story is कि पहले जब मैं content बनाता था I didn't have an understanding कि कैमरा कलर्स क्या होते हैं क्या होता है. मैं एकदम स्ट्राइप वाइप पहन के आ गया हूँ वाइट वाइट. तो मेरे एडिटर बोलते हैं कि इस टी शर्ट को फेंक दो, इस टी शर्ट को फेंक दो, इस टी शर्ट को भी मत पहनना, इस टी शर्ट को. तो वो ना बटोर के सॉलिड कलर बस हाँ सिर्फ सॉलिड कलर. तो लोग ये बोलते हैं कि आप हमेशा एक ही टी शर्ट क्यों पहन के रखते हैं. तो क्योंकि यही सबसे सेफ ऑप्शन है. ब्लैक टी शर्ट पहनो, ब्लू टी शर्ट पहनो और आगे बढ़ो. और प्लस वो टेक्स्ट भी क्लियरली दिख जाता है. एक्जेक्टली. सी कंटेंट ये सिर्फ कंटेंट वाला कोई चमकता है. यू डोंट हैव टू पुट एनी टेक्स्ट बैकग्राउंड. हां एक्जेक्टली. बहुत मजा आया आपको. बहुत मजा आया. जनरली बहुत मजा आया. ऐसा लगा नहीं कि हम पहले कभी मिले नहीं हैं. बट इट इज सो लवली to have you and thank you for having me here. Our pleasure. And aap bahut bahut acha kaam kar rahe ho. You're saving the world emotionally and financially and in all the alis. Thank you. Thank you. Great work. We are huge admirer of your work. Thank you. Just keep doing it. Thank you so much. Thank you both of you. Thank you. All the best.